पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। आज हम बात करने वाले हैं 50 और 60 के दशक के पॉपुलर एक्टर देवानंद के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्मों से नवाजा, जिसमें जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब और टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्में हैं, इसमें उन्होंने नाम शुमार किया है। हालांकि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी इनके गाने लोगों के जुबां पर छाए रहते हैं। दोस्तों, आप दिग्गज अभिनेता देवानंद के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, क्या आप उनके हैंडसम बेटे के बारे में जानते हैं? वे क्या हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? नहीं ना, तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देवानंद बेटे से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं देवानंद के बेटे के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक रहे हैं एक्टर देवानंद। देवानंद का जन्म 26 सितंबर साल 1923 को पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेकेंडरी हाई स्कूल डजहौली में मैट्रिक तक की। इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद है। दिग्गज अभिनेता देवानंद ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1946 में फिल्म हम एक हैं से की, जिसमें देवानंद ने एक हिंदू लड़के की मुख्य भूमिका अदा की थी। जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें लूटमार, वारंट, तमाशा, बारिश, विद्या, देश परदेश और हाउस नंबर 44 जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली रंगीन फिल्म साल 1965 में आई गाइड फिल्म थी। इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जिसमें साल 1971 में आई ड्रामा फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा शामिल है। इन्होंने द एविल विदिन जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया। देवानंद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतनी ज़्यादा सुपरहिट फिल्में दी, उन फिल्मों की वजह से इन्हें एवरग्रीन हीरो का टैग मिला। दोस्तों, अगर बात की जाए एवरग्रीन हीरो का टैग हासिल करने वाले अभिनेता देवानंद के हैंडसम बेटे के बारे में, तो आपको बता दें कि उनके बेटे का नाम सुनील आनंद है, जो कि प्रोफेशनल से बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर हैं। सुनील आनंद ज़्यादातर मास्टर और कामचोर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एवरग्रीन एक्टर देवानंद के हैंडसम बेटे के बारे में जानकर कैसा लगा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।